अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वलीद इकबाल को वजीर आजम का मुशीर बराए सियासी अमूर बनाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं ये जान लेते हैं आकिब तनवीर से। जी आकिब, इस अहम फैसले से मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो वलीद इकबाल हैं जो कि अन्य 131 से उम्मीदवार के तौर पर भी सामने आए थे, लेकिन उनको पार्टी की जानिब से टिकट नहीं दिया गया, उनको वजीर आजम का सियासी मुशीर बनाने का फैसला किया गया है। जिस हवाले से जो पार्टी रहनुमा उनकी जानिब से वलीद इकबाल को टेलीफोन करके यकीन दहानी भी करवा दी गई है, और वलीद इकबाल को मुशीर बराए सियासी अमूर का जो नोटिफिकेशन है वो भी आइंदा चंद रोज तक जारी कर दिया जाएगा। वलीद इकबाल की जो पार्टी खिदमात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उनको सियासी मुशीर बनाने का फैसला किया गया है, क्योंकि एन 131 में दो उम्मीदवार सामने आ रहे थे जिसमें हुमायूं अख्तर खान थे और वलीद इकबाल थे। इन दोनों के दरमियान खींचातानी भी थी टिकट के हवाले से, लेकिन पार्टी ने फैसला किया था कि ख्वाजा सादर जी के मुकाबले पे जो उम्मीदवार लाया जाएगा वो हुमायूं अख्तर खान को लाएंगे और इनको सेंटरशिप जो है वो भी दी जा सकती है। लेकिन अब पार्टी ने फैसला किया और मुशावरत के बाद ये फैसला सामने आया है कि वलीद इकबाल को मुशीर बराए सियासी अमूर जो वजीर आजम है वो बनाने का फैसला किया गया, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी आइंदा चंद रोज तक जारी भी किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका आकिब तनवीर, तफसीलात से आगाह करने के लिए।